सबसे पहली बात, कांग्रेस को सरदार पटेल का नाम देने का अधिकार ही नहीं है। पूरा जीवन सरदार को इतिहास में उचित स्थान न मिले, इसके पीछे एक गांधी नेहरू परिवार ने लगा। सरदार पटेल की अंत्येष्टि से लेकर सरदार पटेल का स्मारक बनने से लेकर सरदार पटेल को भारत रत्न देने तक कोई भी काम इन्होंने रोड़ा अटकाने के अलावे नहीं किया। नरेंद्र भाई ने विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा यहां पर सरदार साहब के स्मारक में बनाई, क्या बात कर रहे हो सरदार साहब किया। नरेंद्र भाई ने देश भर के 8.5 करोड़ किसानों के औजारों का लोहा पिघलाकर किसान नेता सरदार पटेल का, लोह पुरुष सरदार पटेल का, विश्व का सबसे बड़ा पुतला बनाने का बात। एक भी कांग्रेसी नेता आज तक वहां पर पुष्पांजलि करने नहीं गया। प्रतिमा किसने भी बनाई हो, आपके शासन में बहुत सारी प्रतिमा बनी है महापुरुषों की, हम जाते हैं आदर भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये प्रतिमा सरदार पटेल की नरेंद्र भाई ने बनाई इसलिए आप नहीं जाते, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सरदार पटेल की प्रतिमा है इसलिए कांग्रेसी नहीं जाते। और सरदार पटेल को हमेशा अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने,